बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का शनिवार देर शाम को निधन हो गया। वे लखनऊ के SGPGI अस्पताल में भर्ती थे। 89 वर्ष के कल्याण सिंह की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें कुछ समय से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा हुआ था। कल्याण सिंह की शनिवार को बिगड़ती तबीयत को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का दौरा निरस्त किया और वे सीधे अस्पताल पहुंचे। बता दें कि कल्याण सिंह यूपी के CM रहने के अलावा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। निधन की सूचना मिलने पर बीजेपी के मंत्री, सांसद और कई कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। कल्याण सिंह के निधन पर CM योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। लखनऊ PGI ने शनिवार देर शाम एक बयान जारी करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह जी का एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्हें 4 जुलाई को संजय गांधी PGI के क्रिटिकल केयर मेडिसिन में ICU में गंभीर अवस्था में भर्ती किया गया था। लंबी बीमारी और शरीर के कई अंगों के धीरे धीरे फेल होने के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली। जानकारी के अनुसार कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को रविवार को अलीगढ़ ले जाया जाएगा। वहां पर उनकी कर्मभूमि अतरौली में जनता के दर्शन हेतु रखा जाएगा। इसके बाद वहीं उनका अंतिम संस्कार नौरारा गंगा घाट पर किया जाएगा।